वो लड़के अभी उनको कुछ नहीं पता, वो आगे छूट चुके हैं, जो कोई तो हरिद्वार में बिक गया, कोई बैजोई में, कोई बिजनौर, कोई जयंतीपुर में से करूले पैसे जानते में से कहीं से उठाया। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारे शहर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सूर्यनगर का वीडियो है। इस वीडियो में जिस लड़के को पब्लिक ने पकड़ रखा है, ये लड़का एक बच्चा चोर है। ये मुरादाबाद शहर के करूला मोहल्ले से कई सारे बच्चों को अब तक उठा चुके हैं और इस लड़के के साथ में कई सारी गैंग मिलकर काम करती है। दोस्तों जब इस लड़के को मुरादाबाद की आवाम ने रंगे हाथों पकड़ा तो इस लड़के ने बताया कि हम कौन कौन से मोहल्लों से मुरादाबाद से बच्चे उठाते हैं और इस लड़के ने ये भी बताया कि हम कौन कौन से शहरों में इन बच्चों को भेजते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। लड़के मुझसे कह रहे हमारे साथ काम करेगा, आगे बताओ सीधे मेरे आगे हमारे साथ काम करेगा। मैंने कि भाई क्या काम है, कह रहा यार हम तो बच्चे उठाते हैं। मैंने कि भाई मैं नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे बहुत दारू पिलाई, पहले मुझे पटाया उन्होंने खूब कि राजी हो जा, मैं हो गया राजी। अब उन्होंने मुझसे कहा तो इस वाले गाँव में देखा कि कोई से घर खुला हुआ तो ना, बच्चे तो ना, मुझे बताइए फिर आगे। अब फिर इतने में भैया गया घर में घुसा, मैंने बच्चा भी देखा था लेकिन वो लड़का भाग गया। वो जितने में आंटी चिख गई थी वो बस उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग आपकी ग्रह में? आठ जने, आठ जने हैं भैया। नाम एक का अमन है, एक का रोहित है और एक का पवन है, एक का चिंटू है, एक का वो है बिट्टू। ये कहाँ गए? कहाँ गए? नहीं गई है भैया, ये सूर्यनगर के। मैं पांच लड़के, मैं चार पांच लड़के खुद पकड़वाऊंगा, जाओ मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे छोड़ देना। लेकिन ऐसे यार क्या छोड़ दे भैया, वो पकड़ जाएंगे नहीं छोड़ देंगे, बताना सही। वो लड़के अभी उनको कुछ नहीं पता, वो आगे छूट चुके हैं, जो कोई तो हरिद्वार में बिक गया, कोई बैजोई में, कोई बिजनौर, कोई जयंतीपुर में से करूले पैसे जानते में से कहीं से उठाया। मोहल्ले से उठाए थे, मोहल्ले से ही, मोहल्ले से ही। जो आठ सात लड़के और इनके बाप के नाम और पता? इनके भैया पापा का नाम नहीं जान पता। मैं तो लड़कों को जानता हूँ, लड़कों से मुझे अभी मेरी मुलाकात हुई है। अभी मुलाकात रात में ही मुलाकात हुई है? एक का नाम के पापा का नाम पता है, एक का नाम उसका है रमेश, रमेश, रमेश नाम है, रमेश। लड़के का नाम नितिन है, लड़का आपका नाम रमेश है। नितिन और एक साल रमेश। तो बच्चे लेने वाला कोई तो होगा? हाँ बच्चे किसे दिए, पूछो इंतजार रुको एक मिनट। बच्चे कहाँ कहाँ बेचे उनका? हरिद्वार में। बच्चे तो भैया हरिद्वार में बेचते हैं, नैनीताल में बिकते हैं और जगह जगह सेल करते हैं। एक बच्चा कितने का बिके? एक बच्चा कोई आता है 8,000 का होता है, 7,000 का होता है। 8,000 रुपए का बच्चा कैसे बिकेगा भाई? 8,000 का अरे ऐसे बिकते हैं वो। 8,000 रुपए बच्चे बिकेगा यार, वो दूसरे की जिंदगी से खेल रहे हैं, मांदर था। 8,000 रुपए सही सही गलती हो गई भैया, पहली बार ही गलती हुई है मुझसे। जो बात है वो तो ना, 8,000 रुपए बच्चा आए। तो दोस्तों इस लड़के की जुबानी आपने सुना कि हम करूले से, जयंतीपुर मोहल्ले से, मुरादाबाद के बहुत सारे मोहल्लों से बच्चे उठाते हैं और इन बच्चों को किडनैप करने के बाद में हम किसी बच्चे को हरिद्वार भेज देते हैं और बहुत सारे शहरों में इन बच्चों को भेज देते हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने मुरादाबाद शहर की आवाम को इस बारे में जागरूक कर सकूं और जो भी हमारे भाई बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बच्चों को निकालते वक्त उनका जरूर ख्याल रखें कि हमारा बच्चा किसके साथ में गया है और वो कहाँ खेल रहा है। क्योंकि दोस्तों कोई भी मवाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के साथ में कल कला को कोई ऐसा वाकया पेश आए। तो दोस्तों मेरी मुरादाबाद शहर की आवाम से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर ज्यादा ना निकलने दें और इस वीडियो के आखिर में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मुरादाबाद शहर के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास में वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों जितना हो सके मुरादाबाद शहर की आवाम तक इस वीडियो को शेयर करने में मेरी मदद करें ताकि हर घर तक ये वीडियो पहुंच सके और हर माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे जरूर शेयर कर दे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाले नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। Yeah.